नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। पल पल खबरों पे नजर डालते हैं, नजर आज की खास खबरों पर। कोटेदार डकार रहे गरीबों का राशन, नहीं हो रही जांच। कोटेदार ने डबल कार्डों का डकरा, हजारों कुंतल खाद्यान्न, कहा बहुत देखे ऐसे मीडिया। जहां एक तरफ योगी सरकार गरीबों को न्यूनतम दर में दो वक्त की रोटी मुहैया कराने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उनके जिम्मेदार आपस में बंदर बांट कर रहे। यह मामला सीतापुर जनपद के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ चंपा का है। आज जब उन लोगों ने पावर ऑफ जनाधिकार की मीडिया टीम से संपर्क किया, जिन्हें वर्षों से राशन नहीं मिलता था, जब कोटेदार प्रहलाद को यह पता चला कि मीडिया टीम परेशान लोगों से बात करके उनकी आवाज उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना चाहती है, तो कोटेदार ने उन लोगों को एकत्रित किया जिन्हें वे राशन दे चुके थे। फिर मीडिया प्रभारी ज्ञानू दीक्षित को उनकी कालिका देवी मंदिर प्रांगण में रिपोर्टिंग करने हेतु बार बार फोन करने लगे। जब मीडिया प्रभारी के द्वारा कोटेदार को यह बताया गया कि जिन्हें खाद्यान्न नहीं मिला है उन्हें भी बुलाएं, हम दोनों से बात करेंगे, तो कोटेदार ने फोन काट दिया। और जब मीडिया टीम कालिकन मंदिर प्रांगण में परेशान लोगों के साथ पहुंची, तो टीम देखकर कोटेदार व उनके प्रतिनिधि 1, 2, 3 हो गए। आपको कोटेदार की धांधली से अवगत कराते हैं कि ग्राम पंचायत में लगभग 81 कार्ड ऐसे पाए गए जिनके नाम खाद्यान्न सूची में दो बार पाए जाते हैं, लेकिन जिसे एक बार मिला उसे दूसरे कार्ड का राशन नहीं मिला, और किसी किसी को तो मिला ही नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि जिनके नाम डबल है उनका हजारों कुंतल राशन कोटेदार डकार गए हैं। ग्राम पंचायत के कुछ कार्ड ऐसे भी हैं जिन्हें बिना किसी जांच के सूची से हटा दिया गया है। कुछ कार्ड ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक खाद्यान्न मिला ही नहीं। ग्राम पंचायत के सैकड़ों लोग जो कार्ड को कई बार ऑनलाइन करा चुके हैं, परंतु वे वर्षों से भटक रहे हैं, उन्हें आज तक कोई खाद्यान्न या मिट्टी का तेल नहीं मिला। इस संदर्भ में जब कलीम पुत्र तालिब अली निवासी बहादुरगंज ने जिलाधिकारी सीतापुर व आपूर्ति के सक्षम अधिकारियों से शिकायत की, तो अधिकारियों द्वारा एक सप्ताह में समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लगभग 3 माह बाद 19 जून 2018 को तहसील अधिकारियों द्वारा जांच तो की गई, परंतु क्या हल निकला प्रार्थी को इसका भी पता नहीं चल पाया। बाद में मीडिया टीम ने ग्राम पंचायत के कई लोगों से बात की, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। फहीम पत्नी वकी, नीरज पुत्र राम कुमार, खतूना पत्नी अली वली आदि, जिन्हें राशन नहीं मिला है। कुछ वे नाम जो सूची से बिना जांच किए कार्ड दिए गए, इनमें निम्न हैं। नरेंद्र कौर पत्नी कुलवंत सिंह, कलिकुन पत्नी साकिर, खुशबू पत्नी मनोज, उमा देवी इत्यादि, तथा अनीता, कमरुल निशा, चेतराम महादेव, राम प्यारी, राम लखन, अरविंद, बिंद्रा, शिवदेवी, शत्रुहन, मालती, कलीम आदि लोगों ने कार्ड को कई बार ऑनलाइन कराया, परंतु फिर भी भुखमरी के कगार पर हैं, अर्थात इन्हें राशन नहीं मिल पा रहा। संवाददाता राकेश मिश्रा के साथ ज्ञानू दीक्षित की रिपोर्ट। महीने गल्ला दीजिए तो लेंगे हम, और ये महीने गल्ला दिया हो तो, और अगले महीने गल्ला ना दिया हो तो नहीं लेंगे। तो गो करेंगे ये महीने का गल्ला लेना तो लियो, और अगले महीने का गल्ला हम नहीं लेंगे। पहले तो हम पहले बात सक्रिय और जवान के बात पक्की रखी ना रखियो, तो आप भाई तुम्हारा भाई कहेंगे अगले महीने गल्ला साथ ले लेना, तो ठीक हम भी चलेंगे। तो गल्ला चावल भरे ला गया है, तो हम कहेंगे गोकर पिछले महीने गल्ला दीजिए, तो कहें आपके लेना तो लियो, तो दीजिए तो कुछ करना तो कर लीजिए, हम पहले वाला गल्ला हम नहीं देंगे। गला पकड़ लें, गला पकड़ लें और मार के भगाई दें, अपने द्वारा गरिया दें, हाथ मार दें और गला पकड़ लें, और नए बात मारे थे हमारे पर सारी रिपोर्ट लिखी है, ये बात देख ली, और पर्ची पर लिखा दें थाने में एप्लीकेशन दिए थे क्या जी, और पर्ची हमारे पर लिखा दें और गल्ला नहीं दिया, गल्ला भरने प्रार्थना पत्र देकर के अपनी मदद नहीं आपके थाने में देख लीजिए। ये तो अहमदाबाद में दी हुई एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर क्या बताया गया था कि मांगे चेक करेंगे। हाँ चेक करेंगे, तो चेकिंग हुई नहीं हुई हुई, तो उसके बाद क्या हुआ चेकिंग के बाद? चिंगे माध्यम हम सारा देख रहे हैं, तो फिर हम भी कहना रहा, तो पहले पिछले महीने गल्ला दीजिए, तो ये महीने गल्ला हम लेंगे। हम आप बताइए क्या समस्या आपका? पिताजी का नाम कहाँ रहते हो तुम? पुरानीपुरा में। कोटेदार का क्या नाम है? कोई बड़ा कोई अच्छा, तो समस्या क्या है? कब से नहीं मिला? आज तक कभी नहीं मिला? ऑनलाइन करवाया था? ऑनलाइन तो नहीं मिला, ऑनलाइन वाली पर्ची कहाँ है? ऑनलाइन करवाया, पर्ची कंप्यूटर नहीं मिली थी?
तो मतलब ऑनलाइन हुआ ही नहीं बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप बता देते, आप इनको बाहर जान करने की बताइए। क्या नाम है आपका? सभी पिताजी का नाम हसरा पड़ी। कहाँ रहते हो? कत्तूगोड़ा में। समस्या बताइए क्या? एक बार पूरा हमारा नाम मोहम्मद तलीम है, बहादुर नगर जी। यहाँ की समस्या यह है कि यहाँ पर बहुत से कार्ड जो है वो फर्जी और डबल बने, जिनकी शिकायत हमने माननीय जिलाधिकारी और डीएसओ से की थी करीब 3 महीने पहले। पूरी फाइल बना कंप्लेन दे दिया था कि इसकी जांच करा ली, और जो डबल या ट्रिपल कार्ड बने हैं इनको कहने तक जो अपात लोग यहाँ पात लोग पहल रहे हैं, जिनको अभी तक कार्ड नहीं मिल पाया उनको मिल जाए, तो उन्होंने यह दिया था कि एक हफ्ते के अंदर फॉर्म करा देंगे, लेकिन 3 महीने बजे जाने के बाद नहीं हुआ। पिछली 19 तारीख को मतलब 19 जून, हाँ 19 जून को हम डीएम से मिले, कहा उनको मिले थे डीएसओ से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम भिजाट करते, तो 19 को इस पत्थर और तहसीलदार तहसीलदार आए जी, जाँच किया था, उन्होंने कहा था अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं, अभी लगभग 1 महीना 20 दिन हो गया, अभी दिन हो गया अभी तक कुछ नहीं किया। अभी ये है कि कोटेदार का कोई टाइम नहीं है कि कब आएगा, कभी 25 तारीख को, कभी 26 को, कभी 27 को, कभी 28 को, और 1 दिन 2 दिन बाद उसके बाद नहीं, बड़ी यहाँ का 26-27 मजे का गाँव जहाँ पचास है बड़ी और एक दो दिन संभव नहीं है, लेकिन वो एक घंटा बढ़ता है, 2 घंटा आए दिन लोग प्रधान रहते हैं, कम से कम 150 आदमी को मिलते हैं हर महीने नहीं। हाँ मतलब यहाँ पर जो जो भीड़ लगी हुई है तो 300 तक थोड़ा काफी परेशान लोग हैं ना? हाँ सब परेशान लोग, मतलब कि लगभग इतने लोगों में से गल्ला किसी को नहीं मिलता है। हाँ मतलब यहाँ पर जी जी अरे 4-5 मिनट हमको मिली, 4-5 मिनट आपको मिली, हमारे माता जी का कार्ड बना उनसे मिली, हमारे भाई का 5 मिनट तो आइए एक उपभोक्ता से और मिलवाते हैं आपको, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकान था जी भाई, कार्यक्रम रहने वाला हूँ जी जी बताइए। और मेरी समस्या है कि मेरी पर्ची उमा देवी के नाम से थी जी, जिसको कोटेदार ने कटवा दिया, हमको लगा कि कम से कम 1.5 साल पूर्व जो है कटी गई, आपके राशन नहीं मिला, कई बार हमने ऑनलाइन भी करवाया तो दोबारा चालू ही नहीं हुई, पर्ची आते दोबारा चालू ही नहीं हुआ, तो इसके लिए किसी से शिकायत किया? शिकायत किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक धन्यवाद। आप बताइए भैया, ऑनलाइन के कागज जगतराम ले लिए। जगतराम कौन है? लोहार। जगतराम लोहार कुछ भी उसे नहीं मतलब है, जगतराम है कौन? पंच है, प्रधान है, पंच है, पंच है। तो क्या गोकरण किया जमा है, नेपाल किया जमा है, तो कब रोज आइए जब तो पंच मान नाम लिस्ट पर आएगा, 4 दिन गोकरण किया दौड़े और बैठ जाए, हमारा आधार कार्ड चढ़ाए नहीं गए, कहाँ के रहने वाले? राजभवन सामने इधर देख करके बताइए साहब को की समस्या क्या है, बताइए समस्या का जो है। पर्ची हमको जो है कभी गल्ला नहीं, ऑनलाइन करवाया था कार्ड, ऑनलाइन के बाद सूचना आया, सूचना नाम है कभी गल्ला नहीं मिला, क्या बताते हैं गल्ला नहीं जाते हो तो? ये पर्ची का क्या मतलब कि वो बताते हैं सूची में नाम नहीं है, नाम नहीं है, नाम है, नाम है, नाम है, और नाम है तो भी गला नहीं दे रहे हैं, तो कितने से नहीं दिया गला? करीब 32 तो होने दे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, मतलब आज तक गला मतलब कभी नहीं पाया। खेती होती कितनी है आपके पास? खेती करते हैं 1.5 बीघा खेती। परिवार लगभग कितना होगा, कितने लोग हैं परिवार? 2-3 होंगे, 4 लोग। अच्छा चलिए ठीक, और किसी की समस्या? हाँ हमारी भी, बताइए बताइए। हमारा नाम बाबूराम है जी, हम यहीं कल्टन चौराहे के निवासी हैं, हमने जो है वो ऑनलाइन कराया लेकिन उसका कोई जो है निष्कर्ष नहीं निकला, हम उसकी मतलब हुआ है काफी पर्ची, हाँ पर्ची है, लेकिन आज तक बदला हमको नहीं मिलता, सूची में नाम है किसी चक्कर है? हाँ सूची में नाम भी नहीं आया, सूची में नाम नहीं आया। चलिए ठीक, आप बताइए माता जी क्या समस्या है, नाम क्या है आपका? नेको। कहाँ रहने वाली हैं? बताइए समस्या बताइए क्या है? कभी आपको गल्ला मिला नहीं? मिला कभी? मिला ही नहीं। इसी तरह खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज, हमें दीजिए इजाजत।